हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अभी जो यूपीपी की बात हो रही थी आपकी, यूपीपी के एग्जाम को लेकर लगातार खबरें आ रही थी। अभी आज 1 जनवरी को एक नोटिस भी आया है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। ठीक है, देख लेते हैं वो नोटिस क्या है। एग्जाम डेट को लेकर एक नोटिस आया है, देख सकते हैं लिखा हुआ है दिनांक January 1, 2024, यानी 1 जनवरी यानी आज का नोटिस है ये। ठीक है, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का नोटिस है। ठीक है, ये एक सूचना, एक विज्ञप्ति जारी करी गई है। क्या है इस पर, कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग, ठीक है, यानी रेडियो संवर्ग की है ये। अभी कांस्टेबल के बारे में उन्होंने क्लियर नहीं किया, ये भी रेडियो संवर्ग के बारे में नोटिस आया है। क्या आया है, उसमें जो प्रधान परिचालक या प्रधान परिचालक के पदों पर प्रक्रिया थी 2022 की भर्ती, ठीक है, उसकी लिखित परीक्षा की संभावित तिथि, उसका मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन कब हो सकता है, ये भी आपकी टेंटेटिव डेट है, यानी संभावित डेट क्या है, देख सकते हैं। कह रहा है अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इन पदों के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 29/1/2024 से 10/2/2024, यानी 29 जनवरी से आपका 10 फरवरी 2024 के बीच इसकी लिखित परीक्षा क्या हो सकती है, हो सकती है, क्या कह रहा है, तक की है, लेकिन क्या है ये, संभावित तिथि है। ठीक है, यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। ठीक है, उसकी जो परीक्षा तिथि है वो आपको क्या है, एडमिट कार्ड में दे दी जाएगी, जिसका जिस डेट को होगा, जहां पर होगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसको आपको क्या मान के चलना है, सही मान के चलना है। ठीक है, देख सकते हैं इसका सिलेबस तो पता ही होगा आप लोगों को, उसमें पूरा डिटेल में दे दिया उन्होंने। कह रहे हैं कि इसमें कुल 160 प्रश्न होंगे और ये कितने नंबर का होगा, 400 अंकों। ठीक, और जो आपकी टाइमिंग है वो आपकी कितनी है, 2.5 घंटे। ठीक, हाँ, मेन मुद्दे की बात ये है कि ये जो एग्जाम है आपका वो कैसा है, ऑनलाइन, यानी CBT, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, CBT परीक्षा होनी है। कह रहा है कि विषय, एक पहला विषय है आपका सामान्य हिंदी का, जिससे आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन अगर आपका 2.5 नंबर का है तो आपका ये कितने नंबर बना, 100 नंबर। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका दूसरा विषय है वो है आपका विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान, इससे आपके 40 क्वेश्चन होंगे और ये जो आपका होगा वो कितने का होगा, 100 नंबर का होगा। इसके बाद जो तीसरा है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी आपकी अर्थमेटिक जो आपकी 40 है और ये भी कितने की है, 100 नंबर की। और लास्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं आपका मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि तार्किक, यानी आपके रीजनिंग पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, रीजनिंग भी आपके कितने क्वेश्चन है, बराबर बराबर सब है, ये भी 40 है, जो आपके 100, यानी ये कुल कितने का है, 400 अंक का है, और जो आपके कुल प्रश्न है वो कितने हैं, 160, और जो टाइमिंग है वो आपकी क्या है, 2.5 घंटे। ठीक है, इसमें देखो उसने सेक्शनल टाइमिंग नहीं डिवाइड करी है। ठीक है, अगर सेक्शनल टाइमिंग होती तो सबकी अलग अलग टाइमिंग होती, यानी आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास चारों सब्जेक्ट ओपन करने का क्या होगा, ऑप्शन होगा। ठीक है, 2.5 घंटे ओवरऑल, यानी 150 मिनट का आपके पास क्या है, समय। ठीक है, इसमें देख सकते हैं और क्या है नोटिस के अंतर्गत। ठीक है, हाँ, जो सबसे मुद्दे वाली बात है वो ये, ठीक है, ये बहुत जरूरी है जानना। कह रहा है ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50%, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ है आपकी 50%, यानी अगर हम कहें तो 40 में से आपको 20 प्रश्न क्या करने हैं, सही करने हैं, या हम कहें कि 100 नंबर में से आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे, हर विषय में 100 में से 50 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, और वहां पर क्लियर भी है कैसे लाने हैं। प्रसामान्यीकरण अंक प्राप्त करने में विफल वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कौन से अंक, प्रसामान्यीकरण। अब आधे लड़के सोच रहे हैं होता क्या है, तभी कहते हैं हिंदी कायदे से पढ़ो, इसका इंग्लिश वर्जन सबको पता होगा, ये लिखा है भैया नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये क्या लिखा है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप 50% क्राइटेरिया क्लियर कर रहे हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं, अदरवाइज आप क्या है, अपात्र हैं। ठीक है, देख लें, लिखित परीक्षा आपकी कंप्यूटर आधारित, यानी आपकी CBT होगी, अभी बताया था हमने आपको। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4, वो तो ठीक है, मेन मुद्दे की बात यह है माइनस मार्किंग है या नहीं है।
तो कह रहा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.5 अंक निर्धारित है, गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी आपकी माइनस मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। ठीक है, कह रहा है सामान्य हिंदी को छोड़कर सभी विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा, यानी बाइलिंगुअल पेपर होगा। ठीक है, आगे अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों में, वो तो होना ही है क्योंकि भीड़ इतनी है, आपका कई में होगा। ठीक, अब ये आता है प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, क्लियर है, और अंकों के प्रसामान्यीकरण, देखो कहा था आगे लिखा हुआ है, यानी नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अभी जब नोटिस आया था तो हमने अवगत भी कराया था, देखो डेट भी वर्णित है कि भैया 18/12/2023 को एक नोटिस आया था। ठीक है, जिन्होंने इसमें कहा था कि हम किस प्रकार से अपना नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसी आधार पर क्या होगा, हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी दे रखा है, ये है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला उनका। ठीक है, ये सही उत्तर, उससे कुछ खास मतलब है नहीं, आपको कुल मिला के करना क्या है कि गलत बहुत से कम, बहुत मतलब कम करने हैं आपको, ज्यादा से ज्यादा गलत ना हो। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है अभ्यर्थियों, हाँ ये चीज पता होनी चाहिए आपको, कह रहा है अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट उत्तर कुंजी के साथ संबंधित अभ्यर्थी हेतु, यानी जो आंसर की है वो संबंधित अभ्यर्थी यानी उसी के पास जाएगी, सब कोई नहीं देख सकता, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर जाएगी और 3 दिनों के लिए खुलेगी, बोर्ड की वेबसाइट पर आप 3 दिनों के लिए देख सकते हैं इसको, कह रहा प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह बोर्ड की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहे, यानी इसकी डेट नहीं बताई उन्होंने, वो जब डालेंगे जिस दिन वेबसाइट पर पड़ेगा उससे 3 दिन तक आप क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं, उसके बाद वो आपके लिए विजिबल नहीं रहेगी। क्लियर है, तो ये कहानी है इसमें, और कुछ खास है नहीं, जो मेन बात थी वो यही थी कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी क्या है 29 जनवरी से लेकर अगर हम बात करें तो आपकी 10 फरवरी तक। ठीक है, तो भैया जिसका भी एग्जाम है कायदे से लग जाए, ठीक है, ज्यादा समय है नहीं आपके पास, मुश्किल से भी 1 महीना नहीं। ठीक है, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और इसमें क्या लें, सिलेक्शन लें, हमारी टीम से जुड़े, हमारी टीम आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड करा रही है, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।